ये बोट के 155 एयर डॉप्स है। इसमें इन ईयर डिटेक्शन जैसे फीचर मिलते हैं और वो भी 1000 में। तो चलो इसका रिव्यू करते हैं। इसका बॉक्स कुछ इस तरह का आता है। इसके बॉक्स में आपको कुछ पेपर वर्क, इसका चार्जर, ईयर टिप्स और बड्स देखने को मिलते हैं। केस पे ग्लोसी फिनिश दे रखा है, आगे बोट की ब्रांडिंग दे रखी है, नीचे टाइप सी चार्जिंग पॉइंट और पीछे रिसेट बटन दे रखा है। प्लस इसकी बिल्ड इन क्वालिटी भी अच्छी है और इसका साइज भी छोटा है, तो कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। केस को ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। बात करें बड्स की तो ये इन ईयर टाइप में आते हैं। बड्स पे बोट की ब्रांडिंग दे रखी है, प्लस ये बड्स पे ग्लोसी फिनिश दे रखा है। इस बड्स में ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन दे रखा है। प्लस जैसे ही आप केस को ओपन करेंगे तो ये लास्ट कनेक्ट डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इसमें आपको फुल टच कंट्रोल मिल जाते हैं। म्यूजिक प्ले या पॉज करने के लिए किसी भी बड्स पे सिंगल टैप करना होगा। राइट वाले पे डबल टैप करोगे तो नेक्स्ट सॉन्ग प्ले होगा और लेफ्ट वाले पे डबल टैप करोगे तो प्रीवियस सॉन्ग प्ले होगा। लेफ्ट वाले पे 2 सेकंड के लिए प्रेस करोगे तो वॉइस असिस्टेंट ओपन होगा और लेफ्ट वाले पे ट्रिपल टैप करोगे तो गेमिंग मोड ओपन होगा और इसमें गेमिंग के लिए 65 ms की लो लेटेंसी दे रखी है। किसी की कॉल को एक्सेप्ट करने के लिए किसी भी बड्स पे सिंगल टैप करना होगा और कॉल काटने के लिए बड्स पे डबल टैप करना होगा। बात करें बैटरी की तो 40 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है विद केस, और विदाउट केस 5 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है। प्लस फास्ट चार्जिंग भी मिलता है, 5 मिनट चार्ज करने पर 60 मिनट का प्ले टाइम मिल जाता है। इसमें 12 mm के ड्राइवर्स दे रखे हैं। प्लस इसमें बोट की सिग्नेचर ऑडियो क्वालिटी मिलती है, तो इसकी ऑडियो की क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी मिलती है। इसमें इन ईयर डिटेक्शन का फीचर मिलता है, तो जैसे ही आप बड्स को कान से बाहर निकालेंगे तो म्यूजिक पाउच हो जाएगा और कान में वापस लगाते ही म्यूजिक प्ले हो जाएगा। इसमें क्वाड माइक दे रखी है विद ENX टेक्नोलॉजी, तो कॉलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बड्स में IPX4 की वाटर रेटिंग भी मिलती है, तो इस बड्स में बहुत ही प्रीमियम फीचर मिलते हैं और वो भी बजट प्राइस में। तो इसको बाय करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।